दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का संविधान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट देम ऑल तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ईयर 1946 में किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन। ये दुनिया का सबसे लंबा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा और नंदलाल बोस ने सजाया। व्हाई इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स दैट दोज हु मेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक फेयरली रिप्रेजेंट द पब्लिक ओपिनियन। It also sets out the ways in which those who exercise power may be held accountable to the people they serve. भारत के संविधान को आधार का थैला भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए 10 प्रमुख देशों के अलावा उस समय मौजूदा 60 से अधिक संविधानों की मदद ली गई। आजादी, समानता और बंधुत्व के प्रिंसिपल्स को फ्रांस के संविधान से लिया गया। बट Are there problems in the constitution? Do the citizens of the country really have the right to freedom and equality at this time? Are we aware of our rights found in the constitution of India? Independence ke baad, the biggest problem was, kya samvidhan religious hona chahiye ya non-religious? How to determine the rights between the minority and the majority? Aur in sab ko dhyan mein rakh kar, the first part of it clearly states that we the people of India suggest that India should be created as a free socialist democratic country. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मपीठ करते हैं। And the integrity and unity of the country will be maintained. संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। संविधान सभा कुल 11 सेशंस के लिए बैठी थी। संविधान सभा का 11वां सेशन 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच आयोजित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हुआ। सवाल है, क्या आज हम हमारे संविधान के आइडियोलॉजी से दूर हो गए हैं? The ideology and the principle not only declared our freedom, but समाज के लिए एक strong foundation based on equality, justice and liberty toolkit के जैसे present किया है। अब जैसे कि हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है, जिससे जस्टिस, सोशल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी सभी सिटीजंस के लिए अभूतपूर्व है। तो इनइक्वालिटी के बेसिस पर अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो एक तरीके से परसिस्टेंट एंड इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी इन अ सोसाइटी ये दिखाता है कि द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस फेल्ड समवॉट टू रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सचर कमेटी के 2006 के रिपोर्ट ऑन द सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया रिवील कि एक तरीके का इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन मुस्लिम्स के साथ हुआ है।
प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की कमेटी 2014 सचर कमेटी के रिकमेंडेशंस को रिव्यू करने के लिए ही बनाई गई एंड ही डिड नॉट फाइंड मच इम्प्रूवमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम फॉर मुस्लिम्स. मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन सिविल सर्विसेज वॉज अराउंड ओनली 3%. सोशल जस्टिस की बात करें तो समवेयर इट इज डिफीटेड बाय द प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. As we see lower participation of vulnerable groups as teachers in these institutions. तो जो founding ideology of constitution है, combining liberalism and social justice, उससे form करता है social liberalism. Slowly defeat होता जा रहा है, as we have already deviated from it. लेकिन फिर भी संविधान ऐसा एक toolkit है, जो हमें हर मुद्दे पर बोलने की ताकत देता है,